नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। पांड्या हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत के मामले में हंगामा कर रहे परिजनों से समझाइश करने आए आईएमए के पदाधिकारियों से मारपीट के मामले में चिकित्सकों में भारी रोष है। भीलवाड़ा शहर के चिकित्सकों ने सभी निजी हॉस्पिटल की ओपीडी और इंडोर बंद रखते हुए विरोध दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार ब्राह्मणों की जीतिया हाल चंद्रशेखर आजाद नगर निवासी एडवोकेट भगवान लाल शर्मा की 12 वर्षीय बेटी रक्षा को पेट दर्द की शिकायत पर शनिवार सुबह पांडे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिजनों का कहना है कि दिन में बेटी की तबीयत में सुधार हो गया था। इसके बाद अस्पताल के डॉक्टर द्वारा टेबलेट देने से करीब 4 बजे शाम को अचानक रक्षा की तबीयत बिगड़ी और उसने दम तोड़ दिया। किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गलत दवा देने और स्टाफ पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। एसपी प्रीति चंद्रा ने परिजनों की रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई की बात कहते हुए बालिका का शव पोस्टमार्टम के लिए एमजी अस्पताल भिजवाने को कहा। इस दौरान परिजनों ने डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही अस्पताल को सीज करवाने की मांग पर अड़ गए। परिजनों ने कहा कि शव यहां से चला गया तो अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। रक्षा के एक बड़ा भाई और है। देर रात तक भी अस्पताल के बाहर रक्षा का नाम ले लेकर परिजन बिलख रहे थे। परिजनों के विरोध को देखते हुए आईएमए के पदाधिकारी अध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, डॉक्टर महेश गर्ग, डॉक्टर हरीश मारू, डॉक्टर कुलदीप नाथावर टीम के साथ समझाइश के लिए मौके पर पहुंचे, जहां आक्रोशित भीड़ ने आईएमए के पदाधिकारियों पर हमला कर दिया। हमले में डॉक्टर मारू का हाथ फ्रैक्चर हो गया। वहीं अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर अमृताल पांड्या, डॉक्टर गर्ग आदि को भी चोटें आई। माहौल बिगड़ते देख पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हल्का बल प्रयोग किया, जबकि अन्य चिकित्सकों को चोट आई। चिकित्सकों पर हुए हमले के विरोध में आईएमए में रविवार को ओपीडी बंद रखने का निर्णय लिया। आईएमए के समर्थन में शहर के सभी निजी चिकित्सालयों में ओपीडी और इंडोर पूरी तरह बंद रखे। प्रदर्शन के चलते मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बीच आईएमए ने एमजीएच आईएमए हॉल में इमरजेंसी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें निजी चिकित्सकों के साथ साथ सरकारी चिकित्सकों को भी आंदोलन से जोड़ते हुए सरकार को अल्टीमेटम देने पर चर्चा की गई। आईएमए की ओर से जिला कलेक्टर व एसपी प्रीति चंद्रा के नाम एडीएम रिचपाल सिंह व सीओ सदर रामेश्वर सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितता काल के लिए निजी हॉस्पिटल बंद करने और कोविड की जांच नहीं करने की चेतावनी दी गई। ये मामला ये है कि भाई सुबह इसको एडमिट करे, इनको ये पेट दुख रहा तो इनको यहाँ एडमिट करे और डॉक्टर दवाई गोली देके और वापस चले गए, वापस यहाँ नहीं आए। और मैं इनको 3 बजे यहाँ आए, यहाँ इनको अपील के लिए चोरी लड़ी, इनको पेशाब कराने गया। पापा मैं ठीक हूँ, आप बाजार चले गए, मैं बाजार चले गया, वापस एक दम फोन आ गया कि मैं डॉक्टर साहब गोली दे दी, तो लड़की चली गई, मेरा भाई यहाँ था, मेरा भाई की ड्यूटी है। तो इन्होंने कहा कि लड़की बढ़ी गई, रो रहे थे, तो मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, तो मैं आगे उठा आयो डॉक्टर साहब जो भाई गोली दी थी वो चपड़ा में भरी गई, डॉक्टर साहब दी थी गोली, नहीं उन्होंने चपरासी ने दी थी, डॉक्टर साहब खुद ही हार हुआ चपरासी नहीं, कोई झूठ बोल रही चपरासी थी, तो यार वो गोली दे दी या गरीब थी। क्या तकलीफ थी, किस चीज में भर्ती? आज सुबह भर्ती कराई। बच्चे का नाम क्या है? कितने कितने साल की? 14 साल। कहाँ रहते हो आप? ये तो है, मेरा गांव का जीत गया आजाद नगर है। ठीक है सर, हम लेके आपका नाम दिए। ये हॉस्पिटल में आए दिन तो ऐसी वारदात होती है, जब तक कोई मरीज वापस निकल नहीं जाता है तब तक ये उसके साथ में खाट में उसको यही रखते हैं, और रखने के बाद इनका वो बिल चालू रखते हैं। ठीक है, ये आए दिन घटना यहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल है ये? पांड्या हॉस्पिटल। और हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि इस हॉस्पिटल को बंद कराया जाए, अन्यथा यहाँ पर हंगामा होगा। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल बंद हो, पांडे जी का ये लाइसेंस खारिज हो, ये हमारी मांग है प्रशासन। अरे रुको, पहले आप, अरे अपने सेंटर, अरे हेमेंद्र जी को बुलाओ। हेमेंद्र जी, मैं तो एक तरफ खड़ा था यार, शांति से, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। ये पब्लिक यही मिस कर रही है, हम अपने हिसाब से टैकल कर रहे हैं। हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, ये तुम्हारे हिसाब से।
हाँ दौड़ के जिसमें जो एक हॉस्पिटल था उसमें 11 वर्षीय जो बच्ची की डेथ हुई थी उस संबंध में जो आपस में तकरार हुई थी तो उस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है तो उसमें अवश्य कार्रवाई करेंगे। हॉस्पिटल में जो घटना घटित हुई है जिसमें चिकित्सक द्वारा भरसक प्रयास करने के बाद भी एक रोगी को बचाया नहीं जा सका, उसमें परिजन उत्तेजित हो गए और उसके साथ में कई असामाजिक तत्वों ने पांड्या हॉस्पिटल में एक डर और खौफ का माहौल बना दिया गया। उसके बाद डॉक्टर पांड्या ने आईएमए को कॉल किया, उसके तहत हम कुछ डॉक्टर वहाँ पे समझाइश करने गए तो उन समझाइश करने वाले डॉक्टरों पे कुछ असामाजिक तत्वों ने अज्ञात हमलावरों ने जान से मारने का हमला किया और उसमें मेरे चिकित्सक बंधुओं के चोटें आई और डॉक्टर हरीश मारू के गंभीर चोटें आई हैं और उन पर जानलेवा हमला किया। अगर वो भाग के अपनी जान नहीं बचाते तो कोई भी हादसा हो सकता है। हम सभी चिकित्सक इसकी जोरदार शब्दों में भर्त्सना करते हैं, जिला प्रशासन व जिला पुलिस अधीक्षक से ये मांग करते हैं कि उन हमलावरों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। भीलवाड़ा नगर परिषद द्वारा संचालित 4 स्थायी रेन बसेरों का रविवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रिजपाल सिंह बुर्रक ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर हो रही व्यवस्थाओं को देखा और उन्हें आवश्यक सुधार करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। बुर्रक ने कामाखेड़ा स्थित रेन बसेरे में केयर टेकर नहीं होने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर रिजपाल सिंह बुर्रक ने कहा कि बढ़ती सर्दी को देखते हुए नगर परिषद द्वारा संचालित 4 स्थायी रैन बसेरों में हो रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया, जिसमें हमने पलंग, गद्दे, रजाई, तकिया, महिला पुरुष शौचालयों, पीने के पानी, फर्स्ट एड बॉक्स और साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है। सभी जगहों पर रहने की अच्छी व्यवस्थाएं पाई गई है। आज भीलवाड़ा नगर परिषद में स्थित 4 जो स्थायी आश्रय स्थल बने हुए हैं उनका निरीक्षण किया गया, जिसमें पहला तेजाजी चौक में बना हुआ है, दूसरा अरिहंत हॉस्पिटल के पास है, तीसरा कोटा रोड पे है जो संगानेरी गेट से आगे है और चौथा प्राइवेट बस स्टैंड पे है। हमने सभी जगह जांच की। यहाँ अरिहंत हॉस्पिटल के पास जो है उसमें केयर टेकर नहीं पाया गया, बाकी सभी जगह जो भी बिस्तर, रजाई, गद्दे, पीने के पानी की, शौचालय वगैरह की सारी व्यवस्थाएँ सुदृढ़ पाई गई हैं ताकि रात्रि में इस सर्दी के मौसम में किसी को परेशानी नहीं हो और आगामी दिनों में भी इनका पुनः जांच की जाएगी और व्यवस्थाएं सुदृढ़ रखी जाए। भारतीय संस्कृति में खर मास मांगलिक कार्यक्रमों से वंचित करेगा। इस मास किया जाने वाला शुभ कार्य फलदायी सिद्ध नहीं होता है। खर मास की इस अवधि में परमात्मा विश्राम अवस्था में चले जाते हैं। खर मास में नए कर्म का शुभारम्भ नहीं करना चाहिए, नित्य पूजा कर्मों को करते रहना चाहिए जिससे पाप कर्मों से निदान होता है। ज्योतिष में प्राणियों को नवग्रह एवं 12 राशियों के प्रभाव से गुजरना पड़ता है। 30 अंश की एक राशि एवं 30 दिन का एक महीना होता है। सूर्य रोज एक राशि पर एक अंश चलते हैं। इसी तरह नवग्रह हर राशि पर भ्रमण करते हैं। सूर्य, बुध और शुक्र एक राशि पर एक महीने में सफर करते हैं। गुरु एक वर्ष व एक माह में एक राशि पार करते हैं। मंगल, राहु, केतु डेढ़ महीने में एक राशि को, शनि ढाई वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। अतः शनि का एक नाम मंद भी बताया गया है। बालाजी मंदिर के पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि जीवन में चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब सूर्य राशियों पर भ्रमण करते हुए धनु राशि पर एवं मीन राशि पर पहुंचते हैं उस अवधि को ही खरमास कहा जाता है। खरमास का अर्थ है शुभ कर्म से वर्जित महीना। हर साल खरमास की अवधि 2 बार आती है। धनु राशि पर सूर्य पहुंचते हैं तो धनु से लेकर मकर राशि पर सूर्य के चले जाने तक खरमास कहलाता है। इसी तरह जब सूर्य मीन राशि पर आते हैं तो मीन से मेष तक की अवधि खरमास की अवधि मानी जाती है। सूर्य हर साल 12 राशियों पर भ्रमण करते हैं। इस शुभ एवं शुभ कार्य इस वर्ष मकर कृष्णा 13 शनिवार तारीख 13-12-20 तक ही थे। अब समस्त मंगल कार्य, शुभ कार्य पूर्ण रूप से वर्जित रहेंगे, जिनके निम्न कारण रहेंगे। तारीख 15-12-20 से
मलमास आरंभ होगा जो 14/1/21 तक रहेगा। इसके उपरांत ही 17/1/21 से 13/2/21 तक बृहस्पति गुरु तारा अस्त होकर इस 13/2/21 तक बृहस्पति गुरु तारा अस्त रहेगा। इसके अगले दिन ही 14/2/21 को शुक्र तारा अस्त होगा। वह 18/1/21 को उदित होगा। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे तारा लग्न कहा जाता है। इस तारा लग्न के समय कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना गया है, क्योंकि विवाह संबंधी मांगलिक कार्य के लिए गुरु और शुक्र ग्रह का उदित होना अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। परंतु कुछ लोग अबूझ मुहूर्त के हिसाब से कई कई जगह बसंत पंचमी तारीख 16/2/21 एवं फुलेरा दूज तारीख 15/3/21 को भी शुभ मानते हुए मंगल कार्य कर रहे हैं। यह कार्य अपने लोकाचार के अनुरूप ही होंगे, अन्यथा सभी कार्य 18/4/21 के बाद ही शुरू होंगे, जो अप्रैल मई और जून जुलाई देव शयन तक खूब मुहूर्त खूब सावे खूब मंगलिक कार्य होंगे। कल से मलमास चालू हो रहा है, मलमास का शुभारंभ कल से होगा। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कोटा में हुई घटना की गंभीरता को देखते हुए महात्मा गांधी अस्पताल के MCH विंग का औचक निरीक्षण किया। यहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। नकाते ने MCH विंग के निरीक्षण दौरान वहां होने वाली बिजली की सप्लाई, इक्विपमेंट की उपलब्धता व संचालन, डॉक्टर की उपस्थिति, महिलाओं द्वारा दूध पिलाने की व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी ली और रेडिएंट वार्मर का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीडियाट्रिक ICU के लिए 5 बेड बनाने के निर्देश देते हुए इसके लिए आवश्यक उपकरण DMFT या किसी अन्य मद से दिलाने का आश्वासन दिया। MCH इंचार्ज डॉक्टर इंदिरा सिंह द्वारा आवश्यक स्टाफ की मांग पर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। जिला कलेक्टर द्वारा कोविड सेंटर में CCTV कैमरों की व्यवस्था देखी तथा म्यूजिक सिस्टम द्वारा मरीजों की कुलक्षेम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोविड मरीजों के परिजनों से बात कर वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जाना। परिजन RC व्यास निवासी आलोक व्यास तथा सांगानेर निवासी राजेंद्र आचार्य ने जिला कलेक्टर के समक्ष यहां की व्यवस्थाओं से पूरी तरह संतुष्टि जताई। जिला कलेक्टर ने कोविड हेल्प डेस्क पर खाली कोविड बेड्स की संख्या की जानकारी ली। इसके उपरांत जिला कलेक्टर ने बन रहे कोविड वैक्सीन स्टोरेज का भी अवलोकन किया। वहां वैक्सीन स्टोरेज क्षमता की जानकारी लेते हुए पावर बैकअप, फायर सिस्टम आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का निरीक्षण करते हुए PMO को ऑक्सीजन कंजप्शन का ऑडिट करने को कहा। इस दौरान PMO डॉ. अरुण गौड़, RCHO डॉ. CP गोस्वामी तथा अन्य उपस्थित रहे। रिश्वत लेने के आरोपी UIT के 3 इंजीनियरों को नगरीय विकास विभाग ने सस्पेंड कर दिया। संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल की ओर से जारी आदेश के अनुसार UIT के कार्यवाहक AC रामेश्वर प्रसाद शर्मा, AN ब्रह्मालाल शर्मा एवं सतीश शारदा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक ने रिश्वत लेने के आरोप में 3 दिसंबर को गिरफ्तार किया। 48 घंटे से ज्यादा पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के कारण राज्य सरकार सिविल सेवाएं नियम 1958 के नियम 13 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीनों अधिकारियों को 3 दिसंबर से ही निलंबित माने जाने के आदेश जारी किए। निलंबन के दौरान तीनों अधिकारियों का मुख्यालय सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर रहेगा। हमने दर्शकों से आग्रह किया था कि वो लोकवाणी ऐप डाउनलोड करें और ऐप के साथ अपनी फोटो लेकर हमें भेजें, ताकि हम उन दर्शकों की फोटो लोकवाणी TV और ऐप पर दिखा सकें। ब्रेक में जाने से पहले लोकवाणी उन दर्शकों का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता है जिन्होंने लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर हमें उनकी सेल्फी भेजी है। आज इस कड़ी में हम दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ जागरूक दर्शकों की तस्वीरें जो हमें प्राप्त हुई है, जिसमें जेतपुर फेभिलवाड़ा से विक्रम शर्मा, घनश्याम प्रजापत, गौरव नागवानी, किशन कुमार, मोहित माली, पारा सोलंकी और रतन बसीटा ने अपनी सेल्फी भेजी है और सभी ने लोकवाणी ऐप की सराहना की है। हम हमारे इन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप भी लोकवाणी ऐप डाउनलोड कर अपनी फोटो सेल्फी इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9587893923। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC फर्निश्ड रूम एंड 1 हॉल, 20,000 स्क्वायर फीट गार्डन, वेल पार्किंग फैसिलिटी नियर बाय सिटी, एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैरिज, कंप्लीट इवेंट रूम फैसिलिटी, इकोनॉमिक चार्जेस।
मल्टी क्विजिन फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गांधी जयंती पर कोविड 19 के विरुद्ध जन आंदोलन छेड़ा। प्रभारी मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने 3 अक्टूबर से जिले में जन आंदोलन की शुरुआत की। जिला कलेक्टर श्री शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देशन में शहर में जोन वार और वार्ड वार कमेटियां बनाई गई। कमेटियों में सरकारी कार्मिकों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा गया। साप्ताहिक कार्यक्रम तय हुए। हर कार्यक्रम के साथ शहरवासी इस आंदोलन से जुड़ते गए। प्रभारी मंत्री ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। हर रविवार रैलियों का आयोजन हुआ। घर घर स्टिकर चिपकाए गए, वाहनों पर स्टिकर चिपकाए गए, पैम्पलेट बांटे गए, चौराहों पर रोको और टोको कार्यक्रम चलाए गए। जागरूकता की हर संभव कोशिश की गई। कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन में आम जनता, जनप्रतिनिधि, एनजीओस, नगरपालिका परिषद तथा शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी अपनी भूमिका अच्छी निभा रहे हैं। उसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये सब परिणाम आप सब लोगों के सहयोग से और मेहनत के नतीजे हैं। और अंतिम में कोशिशें रंग लाई और देखते ही देखते शहरवासियों ने कोरोना के खिलाफ मास्क को अपना हथियार बना लिया। अब संक्रमण की गति में कमी आई है। प्रत्येक शहरवासी को इस सफलता का श्रेय जाता है। लेकिन संक्रमण अभी रुका नहीं है। हमें ये जज्बा आगे भी बरकरार रखना है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, उसकी वैक्सीन अभी नहीं आई है। इसलिए हम सबको आने वाले मौसमी बीमारियों का समय देखते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए इस जन आंदोलन को जारी रखें और सभी को मास्क पहनाने के लिए प्रेरित करें। पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुँचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृत संकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नवविधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप। इस लोगो के साथ वेलकम टू मालू हॉस्पिटल, भीलवाड़ाज बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। मेडिकल स्टोर विद 24/7 अवेलेबिलिटी, हाईटेक एक्सरे इक्विपमेंट्स, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आईसीयू विद हाई फैसिलिटी, कंप्यूटराइज लेबोरेटरी, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahilashram college, Vijay Singh Pathak Nagar, Bhilwara. Bitiya ki shaadi hai, vivah package humse khareedein। बिटिया की शादी संबंधी सभी सामान, घर के लिए फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, स्टील, पीतल एवं तांबे के बर्तन, जेंट्स ड्रेस मटेरियल, बारातियों को देने के गिफ्ट आइटम होलसेल रेट में उपलब्ध। मात्र 61,000 में पलंग, सोफा सेट, अलमारी, 24 इंच LED फ्रिज,
होम थिएटर, कूलर, सिलाई मशीन, ड्रेसिंग टेबल, टी टेबल सहित कुल 21 आइटम उपलब्ध हैं। माल पहुंचाने का माल भाड़ा 200 किलोमीटर तक फ्री। अभी खरीदें, योजना केवल 31 दिसंबर तक। अन्य आकर्षक पैकेज 45,000 से 1,00,000 रुपए तक उपलब्ध हैं। विवाह पैकेज सबसे पहले पूरे राजस्थान में हमने शुरू किया भीलवाड़ा से। आज की तारीख में राजस्थान के हर शहर में, हर तहसील हेडक्वार्टर पे लोगों ने उसकी कॉपी करी है। हमने अपना एक बढ़िया प्रोडक्शन खुद बनाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान हम डायरेक्ट कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं बड़े लेवल पे, उनसे डायरेक्ट परचेज करते हैं, तो बीच का जो प्रॉफिट बढ़ता है वो खत्म हो जाता है, सीधा हमें सस्ता मिल जाता है, हम भी ग्राहक को वापस सस्ता दे देते हैं। गुरु कृपा विवाह पैकेज G1205 रिको चतुर्थ फेस, आवरी माता मंदिर के पास, गंगापुर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829773173, 9829196696। आवश्यकता है लोकवाणी में न्यूज एंकर, न्यूज राइटर, डेस्क वर्क के लिए योग्य कैंडिडेट्स की। योग्यता ग्रेजुएट। इच्छुक कैंडिडेट्स संपर्क करें मोबाइल नंबर 9587893923। रिज्यूम भेजें lokvani@lokvani.tv पर। विशाल निशुल्क दंत चिकित्सा परामर्श शिविर हर माह की 10 तारीख को। गुजरात के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर नितिन शर्मा, डॉक्टर नेहा शर्मा। समय 9:30 से 12:30 तक। निशुल्क पंचगव्य चिकित्सा शिविर हर माह की 11 तारीख को। समय 9:30 से 12:30 तक। शिविर में डायबिटीज, अस्थमा, उदर रोग व अन्य रोगों का इलाज गाय के पंच तत्वों से किया जाएगा। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी। सौजन्य श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। माडलगढ़ क्षेत्रीय वन अधिकारी दशरथ सिंह ने फेसबुक के माध्यम से हिरण को पकड़ा। सिंह ने बताया कि फेसबुक पर हिरण का फोटो किसी ने अपलोड कर रखा था। इसके बाद फोन से संपर्क कर हिरण को बरामद कर लिया और वन रेंज माडलगढ़ लाया गया और हिरण की देखभाल की गई। फिर मेनाल के जंगल में नदी के किनारे पानी के नजदीक सुरक्षित छोड़ा गया। इस मौके पर पूर्व उप प्रधान ओम प्रकाश जोशी, राम अवतार, लक्ष्मण सुथार, देवकरण मौके पर उपस्थित रहे। कल स्टाफ द्वारा बाका गांव में किसी भील की बकरियों के साथ गांव में आ गया था, उसको अपने पजेशन में लेके कल इसको यहां पे ऑफिस में लाके संभाला। ऐसा इसको वापस छोड़ना है तो इसको वापस बाका ही छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वहां एडजस्ट नहीं हुआ तो यहां मैनाल के जंगल में बाणा का भाव करके जगह है जहाँ अक्सर हिरणों की अच्छी आबादी है। उस आबादी को देखते उनको इसके परिवार के बीच में छोड़ा गया ताकि सेफ रहेगा। और ये जंगल ऐसा कि यहाँ न तो किसी प्रकार का शिकार का खतरा है, न कुत्तों का कोई खतरा है, तो ये यहाँ ज़्यादा सेफ रहेगा। पानी भी पर्याप्त पूरे जंगल के अंदर माल जर से लगा के डामटी बांध तक पानी की व्यवस्था है, तो वर्ष पर 12 महीने पानी रहता है, तो यहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। इसको देखते इसको अभी यहाँ खुले जंगल में विचरण के लिए छोड़ा है और यहाँ शिरण बहुतायत में है। यहाँ की वन सुरक्षा समिति भी अच्छी एक्टिव है इस मामले में, जंगल और जीवों के लिए सुरक्षा के मामले में अग्रणी रहती है। इसको देखते हुए हिरण की सुरक्षा के हिसाब से यहाँ ज़्यादा ठीक लगा, इसलिए यहाँ छोड़ा। जहाजपुर थाना क्षेत्र में अल सुबह चामुंडा चौराहे से होकर गुजर रहे अवैध बजरी के ट्रैक्टरों को नागदी चौराहों पर शमशान घाट के पास जब्त किया गया। थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 3 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया तथा थाने में व माइनिंग विभाग को सूचना दी। राजस्थान सरकार के रोको टोको अभियान में पुराना बस स्टैंड पर जोन 5 के समन्वयक सांवर मलोजा, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश नारायणीवाल, नगर परिषद सब इंस्पेक्टर शिवचरण गावरी, जमादार गोपाल मारू नटवर, शुभम चंडालिया, चूरिया मुरिया सेवा संस्थान के अध्यक्ष हेमलता अग्वानी, जोरावरपुरा के प्रिंसिपल रमेश चंद्र अग्वानी आदि कार्यकर्ताओं ने आने जाने वाले लोगों को रोककर कोविड-19 के तहत मास्क लगाना वे 2 गज दूरी बनाए रखने के लिए समझाया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में भारतीय संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया जिस पर शांति संदेश मंच द्वारा विरोध दर्ज करवाया गया। विरोध प्रकट करने वालों ने बताया कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हम उसका विरोध करते हैं, साथ ही हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अधिकारों की लड़ाई हमारे संविधान के अधिकार में है, मगर इस तरह महापुरुषों की प्रतिमा को खंडित करना सरासर गलत है।
शांति संदेश मंच के संस्थापक राजू केसर सिंह चन्नाल ने इस घटना का पुरजोर विरोध प्रकट कर कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रदर्शनकारी संकल्प लेकर प्रदर्शन करें। इस तरह की घटना करने से हमारे भारत देश की काफी बदनामी होती है तथा भारत देश का नाम खराब होता है। विरोध प्रकट करने वालों में पूर्व पार्षद बाबूलाल पंडित, कमल कुचबंदा, अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा, आनंद चन्नाल, राकेश कुमार, श्याम कीर आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।